पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच के तीसरे रोज किए जाने वाले 31वें ओवर के बाद खेल का नक्शा ही बदल गया। बॉल टेम्परिंग के इल्जाम और फिर रेफरी के इकदाम से दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम की कारकर्दगी और पोजीशन मुतनाज़े हो गई। 9 अक्टूबर को आईसीसी की तरफ से जारी तरमीमी कानून के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 42.1 का आर्टिकल लागू हुआ। जिसकी जैली यानी दूसरी शिक के मुताबिक बॉल टेम्परिंग करने वाले ऑलराउंडर फॉफ डुप्लेसी की निशानदेही हो गई। गेंद फौरी तौर पर तब्दील करके टीम को 5 रन का जुर्माना करते हुए पाकिस्तान के टोटल में 5 रन का इजाफा कर दिया गया। अब बॉल टेम्परिंग मामले का बॉल तो मैच रेफरीज के ही कोर्ट में है, लेकिन मजीद एक्शन न लिए जाने पर पाकिस्तान एहतजाज कर सकता है। ऐसी सूरत में अस्सर नौ जायजा लेते हुए डुप्लेसी पर 2 एक रोजा या फिर 1 टेस्ट मैच की पाबंदी आयद हो सकती है।